तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जोरहाट टाउन एंड वी आर गोइंग टू विशाल। इससे भी अच्छा वाला मिलता। टाइम इज 7:30। बताऊंगी कि व्हाट इज द रीजन फॉर दिस पंडाल, मतलब क्यों बनाया है हम लोग ने इसको। मम्मी व्लॉगर मारहर के लगाए है ना। हाँ। ने मेहंदी है। लेट्स गो लेट्स गो। ये पंडाल का रीजन जानने के लिए बने रहिए गाइस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एवरीबॉडी ऑफ यू इज डूइंग फाइन। सो अभी एक्चुअली इट्स लाइक ऑलमोस्ट 3 PM, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर का शॉपिंग करने को। एक्चुअली सुबह से हम लोग उठे, नाश्ता किया, काम किया, घर का सेट वगैरह किया कुछ कुछ, उसके बाद लंच किया, फिर नहाया धोया एंड अभी एक्चुअली वी आर गोइंग ओवर जोरहट टाउन जा रहे हैं एक्चुअली वहाँ पर, तो वहाँ से कुछ ना कुछ खरीदना है। तो भाई खरीदने को जा रहे हैं, मैं मम्मी पापा एंड भाई, हम चारों जा रहे हैं खरीदने को वहाँ पे। तो कहाँ जाते हैं, क्या खरीदते हैं, घर का ही सामान खरीदते हैं वैसे तो। तो आई जस्ट कीप ऑन पोस्टिंग, कीप ऑन अपडेटिंग यू गाइस, सो यस स्टे ट्यून्ड। मम्मा रुक जाओ। सो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं जोरहाट टाउन एंड वी आर गोइंग टू विशाल नाउ, क्योंकि घर का शॉपिंग है। सो विशाल से बेटर ऑप्शन है नहीं अपने पास यहाँ पे। सो यस स्टे ट्यून्ड एंड आई हैव विद मी माय दिस वन शिटी। मम्मी से हाय एंड वी हैव आवर पापा एज द ड्राइवर। चलो गाइस हम जा रहे हैं अभी यहाँ से फिर लेफ्ट। इससे भी अच्छा वाला मिलता। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं रिलायंस मार्ट। मैंने सोचा था कि ये विशाल है, बट ये विशाल नहीं है। यहाँ का जो बिग बाजार था जोरहट का, वो चेंज होके हो गया है रिलायंस मार्ट, बट वी वर नॉट अवेयर ऑफ इट, तो इसलिए अभी यहाँ पे आ गए। बट नाउ ठीक है, कोई नहीं, वी आर गोइंग बैक टू बिग बाजार, मतलब वो क्या विशाल जा रहे हैं हम अभी वापस। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान देखा, बट दे आर लिटिल बिट प्राइसियर देन विशाल। सो ठीक है, हमको इतना पसंद भी नहीं आया, तो इसलिए ठीक है फाइन विल गो। ओ ये सब देखो, हम जो ऑर्डर किया था वैसा टाइप वाला 198। ये प्लास्टिक है क्या? ये वही हैंड वॉश हम जिसमें डाल रहा था ना, देखो ऐसा टाइप वाला हम जैसा ऑर्डर किया था हैंड वॉश, लेकिन ये प्लास्टिक है, मेरा वाला प्लास्टिक नहीं था। Let's go. मम्मी हाँ क्या बोल रहा था, बोलो अभी अभी बोलो से। एक्चुअली मम्मी ने बोला यहाँ पे विशाल नहीं है, विशाल कहीं और है। हमने बोला अभी यार अभी ऑलरेडी नो ना, हम ऑलरेडी आए हुए हैं यहाँ पे, तो वही अभी वो बोल रही कि हाँ तुम लोगों को इंग्लिश आता, हिंदी आता और मुझे बुद्धू बोलते। मोरल ऑफ द स्टोरी, ओकरा लोग भी कभी कभी काम आते हैं। मां देखा था, लेकिन बाद में मेरा जो हम जो बोलता है वही होता है। हाँ ठीक है माते, चलो पहला बार। हाँ पहला बार नहीं, हर बार। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे, बहुत घूम फिर के फाइनली, लेकिन पार्किंग हमको तब भी नहीं मिला, तो हमने ये गौराली का जो पार्किंग होता है वहाँ पे पार्क किया। नाउ वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स विशाल। हम गए थे वापस घूम के आए मतलब वहाँ से, बट ठीक है कोई नहीं, चलो विशाल में है। कहना कौन लगे मेन रोड? हाँ ये वाला ठीक है, काला वाला ना लगे, हेरू बहुत ऑर्डिनरी टाइप और है, हेरू गाड़ी का नीचे बिछाता है उसको, एनोवा टाइप और एनोवा ऐसा टाइप वाला ठीक है ना। ये वाला तो नहीं चाहिए अभी, नहीं ये तो, ये भी ठीक है, इसमें भी तो कचरा अटकेगा ना, ये भी अच्छा है कलरफुल में। सो गाइज वी आर एट विशाल एंड हमने कर्टेन्स ले लिए हैं। नाउ वी आर मूविंग टू डोर मैट, सो लेट्स सी कौन सा डिजाइन आता है हमारे पास अभी पसंद। वेलकम, ये देखो हमारा शॉपिंग भर्ती, यहाँ यहाँ ये सब कुछ। हाउ डिड यू फील सामान उठा के? बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि मुझे बहुत सारा सामान उठाना पड़ा अपने कंधों पे, अपने इन नाजुक कंधों पे। डायलॉग्स गाइस, अभी हमारा शॉपिंग वगैरह सब कुछ खत्म हो गया है, रात हो गई, कितना बज रहा है? द टाइम इज 7:30। मार्केट में फल अभी हम जा रहे हैं वापस, हमारे पीछे सामान भरती और ये इधर भी एक रोल भरा बड़ा पड़ा है यहाँ पे एंड वी आर गोइंग बैक टू आवर होम नाउ। तो यस गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लग गया शॉपिंग करने में यहाँ वहाँ एंड बीच में, तो मम्मी गुम गई थी, उनको रास्ता नहीं पता था। झूठ बोल रहे बोल रही है, हमारा पसीना निकल गया, हमारा पसीना छूट गया और उनको लोकेशन बताना नहीं आ रहा था कि कहाँ पे है। सो गाइस फाइनली हम अभी घर पहुँच गए, घर पहुँच के जितना भी शॉपिंग वगैरह था सब कुछ ये एज यू कैन सी यहाँ पे पूरा लाइन पे रखा हुआ है। आई विल शो यू अप क्या क्या है यहाँ पे।
सो क्योंकि आई थिंक अराउंड इट्स अराउंड 8 कि हम पहुँचे अभी, तो बहुत ज़्यादा थक गए. अब एक एक करके खोलते हैं, घर पे सेट करते हैं जो भी लाए हैं इसके लिए. सो यस, सो गाइस सेम व्लॉग अनदर डे. तो लास्ट मैंने आपको दिखाया कि हमने शॉपिंग वगैरह किया घर के लिए, और ये वीडियो मैं एक्चुअली उसके 3-4 दिन के बाद शूट करी बिकॉज उसके बीच में मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी. सो आई वॉज अनएबल टू मेक वीडियोज़. तो आज मैं आपको दिखाती हूँ जो जो हमने खरीदा था वो सब हमने सेट करके रखा है. मतलब ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं, वैसे पर्दे हैं जो हमने सेट किए हुए हैं. तो मैं पर्दे आपको दिखा देती हूँ कि कैसे लाए थे एंड कैसे करके लगाया है हमने. सो ये सबसे पहले देखो, ये तो फ्रंट डोर में, ये मैंने एक्चुअली ऑर्डर किया था ऑनलाइन पे. तो ये वाला तो ऑनलाइन वाला पर्दा हो गया मेरा. उसके बाद हम अंदर चलते हैं. उसके बाद एक्चुअली रूम्स पे लगाया है ये सेम, मतलब चारों जो दरवाज़ा है वो एंड ये सब में हमने सेम कलर का रखा है कलर. और मेरा रूम तो एक्चुअली आपने देख ही लिया था पहले कि ये कलर का दरवाज़ा, मतलब वो पर्दे मैंने लगा के रखे थे. उसके बाद चलते हैं यहाँ पे. यहाँ पे पर्दे हमने लगाए हैं थोड़े से ऑफ वाइट में एंड बीच में एक नेट लगाया हुआ. ये रूम पूरा कबाड़खाना बना हुआ है फिलहाल, स्टोर रूम टाइप का. एंड यहाँ पे हमारा नया बेड है जो कल आया है, तो यहाँ पे रखा है इसको अभी के लिए हमने. उसके बाद फिर दिस रूम, एक्चुअली इसमें भी पर्दा लगाया है हमने. दिस इज़ द पर्दा यहाँ पे, और यहाँ पे दो आलना लगा के रखा हुआ है अभी के लिए. कैसा लग रहा है? और यहाँ ये किचन में तो अभी के लिए कर्टेन्स नहीं लगाए हैं हमने. और ये, और यहाँ पे भी ये वेलवेट का पर्दा है. एक्चुअली दिस पर्दा इस, मतलब इसका मटेरियल आप देखोगे ना, ये वेलवेटिश है. वेलवेटिश में गोल्डन लीफ वाले डिज़ाइन है, बीच में एक नेट लगा दिया है हमने. वैसे तो दो पर्दा से काम चल जाता है, बट ठीक है, इस वाले पे अब तक नहीं लगाया है हमने. तो बस यही अभी के लिए लगाया हमने. ये जो आपको यहाँ पे मेरे घर के बाहर जो पंडाल दिख रहा है, देर इज़ अ रीज़न बिहाइंड दिस पंडाल, क्यों बनाया है ये मैंने आपको अभी तक वीडियो में नहीं बताया. वीडियो के एंड में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस पंडाल, मतलब क्यों बनाया है हम लोग ने इसको यहाँ पे. अभी तक कम्प्लीट नहीं, वैसे बस टीना लगा के रखा है एंड बैम्बूस लगा के रखा है. कपड़े वपड़े लगना बाकी है अभी फिलहाल के लिए इसमें. तो गाइस अभी हम ऊपर छत आ चुके हैं, बहुत ज़्यादा धूप है आज. अरे इतना धूप में क्या कर रहे हैं सुनो तुम. देखिए गाइस ये पागल यहाँ पे क्या कर रहा है धूप में, इतनी कड़ी धूप है, इसको एक्सरसाइज करना है. बस बेटा बस करिए, बस करिए, एनफ एनफ. तो ठीक है, अभी धूप में आए हूँ मैं. एक्चुअली ऊपर कपड़े सुखाने को आई थी मैं, तो कपड़े थोड़े से सूख जाएंगे तो ठीक है. उसके बाद अभी भी मेरे को थोड़ी बहुत सर्दी लगी पड़ी है, सर्दी मेरी ठीक ही नहीं हुई है अभी तक कम्प्लीटली. गला बैठा हुआ है, ये है वो है, अभी की मतलब सीजन वाली सर्दी लग रही है ये. तो चलिए देखते हैं, पुराने वाले घर में जाके देखते हैं कि मम्मी लोग क्या कर रहे हैं, दादी लोग क्या कर रहे हैं. सो गाइस देखो, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ. ये देखो मम्मी व्लॉगर मारहर के लगा ऐसा है ना. हाँ. ने मेहंदी जेठू का, जेठू का मतलब तो वही मेहंदी तो होता है. तो एक आगे एक पीछे. ए आमार बप्पा सुख ए करो वाले. तो अभी देखते हैं बाकी लोग क्या कर रहे हैं. गाइस मैं अभी नीचे देखा, मम्मी भी ब्लॉक कर रही है पीछे से. चलो गाइस देखते हैं, देखते हैं, लेट्स गो लेट्स गो. ये पंडाल का रीजन जानने के लिए बने रहिए गाइस. बेटा दादी क्या कर रहे हैं? अभी माथे में लगाया है जेठू का. देखो इधर देखो क्या आता है. गया था तो उधर ही था. अभी हाय आता. हाय 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 आता हाय. बहुत ज्यादा गर्मी है आज. सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो पंडाल बन रहा है उसका रीज़न मैं आपको वीडियो के एंड पे पहुंची हूँ. सो नाउ इट्स द रिवील टाइम. ये जो पंडाल हमारे पीछे बन रहा है, ये ऑब्वियसली पंडाल हम लोग क्यों बनाते हैं, कोई ओकेजन्स हो या फिर कुछ सेलिब्रेशंस हो घर में, उस रीज़न से हम बनाते हैं कि नहीं. तो हमारे घर में भी अभी सेलिब्रेशन है, ओकेजन है, और वो ओकेजन ये है कि इट इज़ माई एंगेजमेंट गाइस. यस, योर रैविशिंग गर्ल इज़ गेटिंग एंगेज्ड ऑन 6th.
ये वीडियो आपको आज मिल जाएगा एंड टुडे इज आई थिंक फोर्थ, टुडे इज 4th नवंबर, आज आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आज आपको ये अपडेट हो जाएगा कि आई एम गेटिंग एंगेज. जिनको पता है दे नो, जो नहीं देखते, जो मुझको सिर्फ यूट्यूब में जानते हैं तो उनके लिए है ये अपडेट. सो यस, तो उसी की प्रिपरेशन चल रहे हैं, पूरे घर इज लाइक फुल, लोगों से भर 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 चुके हैं घर, रिलेटिव्स लोग आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, पूछ रहे हैं ये वो सब लोग. मतलब अभी गांव पे रहो तो ऐसा है कि सब लोग आके आपको खबर करते हैं कि कोई भी ऐसे फंक्शन वगैरह आप लोग ऑर्गेनाइज करो, तो वही सब चल रहा है. तो अभी अपडेट अभी मैंने आपको दे दिया, तो अभी नाउ आई कैन एंड द वीडियो. सो नेक्स्ट वीडियो से आपको कितने भी प्रिपरेशन चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एंड अपनी एंगेजमेंट खुद मैं व्लॉग करके आपके सामने आऊँगी नेक्स्ट व्लॉग से. सो येस, दैट वॉज इट फॉर द व्लॉग गाइज. आई होप यू गाइज लाइक दिस व्लॉग. इफ यू गाइज लाइक दिस व्लॉग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब. And I'll see you guys in my next vlog, doing my engagement wale vlogs. So yes.